मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंस। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अजमेर में वीडियो कॉन्फ्रेंस अटल सेवा केंद्र में आयोजित हुई, जहां संभागीय आयुक्त एलएन मीणा, अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया, जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा, जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। वही वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जिला कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी और मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में कौन कौन सी इंडस्ट्री खुलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन कार्यों का शुरू किया जाएगा, उसके बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर ने बताया कि अजमेर में जहां भी कर्फ्यू और पॉजिटिव मरीज नहीं है, वहां पर मॉडिफाइड लॉकडाउन किया जाएगा। अगर उधर कोई भी पॉजिटिव मिलता है तो क्षेत्र में मॉडिफाइड लॉकडाउन को भी हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री क्या दिशा निर्देश दिए हैं आज? मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वीसी ली गई थी, जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस और मंत्री जो हैं पूरे राजस्थान के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो सभी थे। और उन लोगों ने अपनी अपनी जो लॉकडाउन के बाद का जो अभी लॉकडाउन टू जो मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू होने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे व्यवस्था की जाएगी, उसके बारे में सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एसीएस ने बताया है। और उसके बाद सभी मंत्री महोदय जो थे वहाँ पे, उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। मुख्य रूप से जो लेबर के मूवमेंट की बातें आई हैं, उसमें राज्य स्तर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वार्ता की जा रही है कि उनको कैसे यहाँ से जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको कैसे भेजा जाए। और जो मॉडिफाइड लॉकडाउन होगा उसमें क्या क्या व्यवस्था की जानी है, पासेस कैसे इशू होंगे और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिसको अलाउ किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य होगा उसके बारे में कैसे कैसे नियम बनाए गए, वो सारी चीज़ों की आज विस्तार रूप से चर्चा की गई। अजमेर की बात करें तो अजमेर में कितना राहत मिल पाएगी, अभी जो मामले बढ़े हैं उसको लेकर कुछ हो सकता है? ये जो लॉकडाउन से रिलैक्सेशन के बाद है, ये उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है और जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये हमेशा वैरी करेगा। जहाँ पे भी पेशेंट्स पॉजिटिव पाए जाएंगे तो वहाँ पे फिर ये रिलैक्सेशन वापस ले लिया जाएगा, ऐसा कर दिया।